मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक डेफिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के संबंध में दी गई है, जो सेक्शन 2A में दी गई है। इसी बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये नया कंसेप्ट है डेफिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियोज एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सेक्शन 2A ये कहता है कि पुरानी CRPC से हटकर इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो जुडिशियल एग्जामिनेशन लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों सबके लिए बड़ा उपयोगी है, यह आपको जानना चाहिए। इसके अंदर ये कहा गया है कि एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कम्युनिकेशन सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस फॉर ईच अदर पर्पसेज एंड बाय सच अदर मींस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब्ड तो प्रोवाइड्स। तो ये कुल मिलाकर इसका कहना यह है कि ऑडियो वीडियो कोई भी कम्युनिकेशन जो कि डिवाइस जिसमें यूज हो रहा है और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्च या सीजर के लिए रिकॉर्ड करने हेतु कम्युनिकेशन सीजर सर्च करते वक्त यूज हो रहा है वो सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत आएगा। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहलाएगा। रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, ये आगे काम आ सकती है और ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है। नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 जो CRPC का स्थान 1973 का ले रही है उसमें ये सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। फॉरेंसिक एविडेंस भी जो मौके की है जरूरी है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी धारा 176(3) के अंतर्गत आवश्यक है। ऐसे ऑफेंसेज जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है उसमें ये फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या उसका माध्यम बनेगी। पुलिस ऑफिसर्स ऑडियो वीडियो लेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे टू कैप्चर द विटनेस स्टेटमेंट वगैरह लेते समय, ये सेक्शन 180 BNSS में लिखा गया है। इसी तरह सेक्शन 251(2) में ये कहा गया है कि एक्यूज के साथ जब भी कम्युनिकेशन किया जाएगा चार्ज फ्रेम होते समय न्यायालय उस पर एक्यूज से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें जुर्म कबूल है या तुम इस अपराध को लड़ना चाहते हो। सेक्शन 254, 265 और सेक्शन 266 में ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी के जरिए एविडेंस के रूप में देखे जाएंगे और पढ़े जाएंगे। और अभियुक्त की अनुपस्थिति यानी उसका वकील अगर है अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डिवाइसेस का यूज किया जाएगा। टेस्टिमनी जब भी ली जाएगी कोर्ट में ऑडियो वीडियो सेक्शन 308 ये कहता है तो उसका यूज किया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 336 जो नया BNSS है उसमें पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर का जैसे इन्वेस्टिगेशन में बयान जरूरी था उसमें ऑडियो वीडियो मेथड से भी वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये मैंने BNSS सेक्शन 2A के संबंध में ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी समझ में जरूर आई होंगी। यदि किसी तरह का कोई कमेंट है लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल से जुड़े रहिए, पैरामीटर ऑफ लॉ पर भरपूर मुझे स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।